नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कागज दिखाओ और भारतीय बन जाओ। लोकसभा में गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने पर बड़ा बवाल हुआ था। सीए का जब बिल पास हुआ तब भी दिल्ली सहित कई प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के आड़ में दंगे भी हुए। एक बार फिर गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मेहसाणा और आणंद के शरणार्थियों को नागरिकता देने की पहल की है। दोनों जिलों के कलेक्टर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी अब गैर मुस्लिम रिफ्यूजी गुजराती कहलाएंगे। इसको विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता माधुराम चौधरी जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोड़ा जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। माधुराम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नागरिकता को लेकर जो बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है गुजरात के दो जिलों के लिए, उसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर माना जा रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले। इस फैसले की क्या खास वजह? देखिए श्वेता जी, जी देश में मोदी जी जो भी काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के एक साथ चलने के लिए, सबको जो भी यहाँ पे भारत में रह रहे हैं और कई सालों से निवास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जरूरी था कि वहां के रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता एक बहुत बड़ा पहलू था और उस पहलू के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने, की सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने इस विश्वास के साथ और लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून लाई है। निश्चित तौर पे उन लोगों का, उन वर्ग का भला होगा जो कई वर्षों से इस देश में बिना नागरिकता के निवास कर रहे हैं और निवास करते हुए भी उनको कोई नागरिकता के अधिकार नहीं थे। ठीक है, इसलिए बड़ा फैसला। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अहम फैसला है और बहुत सालों से परेशान थे लोग और चाह रहे थे कि ऐसा फैसला लिया जाए। दो अहम जिलों में फैसला लेना, वो भी गुजरात के, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस इसे क्या मानती है, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है चुनाव से पहले? देखिए, ये ना तो मास्टर स्ट्रोक है ना कोई कहना चाहिए ऐसा फैसला है जिससे कोई जनहित होता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात चुनावों को लेकर के, गुजरात चुनाव भी एक आध दिन में डिक्लेयर होने वाले हैं, इसी तरह की कुछ घोषणाओं के लिए रुके हुए हैं, उनकी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है इलेक्शन की। प्रधानमंत्री जी का दौरा जैसे समाप्त होगा एक आध घंटे में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। और इस तरह के आप जब निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय तो आपने जो एक्ट है 1955 का उसके तहत लिया है, 2009 के रूल्स के तहत लिया है। तो अभी इसमें प्रावधान ये है कि जब आप अप्लाई करता है, कोई व्यक्ति वहाँ रहता है, अपने कागज दिखाता है और अप्लाई करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, यही प्रक्रिया है, ये पूरे देश में प्रक्रिया है। तो अब जब राजस्थान में बहुत सारे हमारे सीमांत शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं, वहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अगर गुजरात में चुनाव है तो गुजरात के लिए निर्णय लेगी केंद्र सरकार, राजस्थान में चुनाव होंगे तो राजस्थान के लिए लिया जाएगा। ये पूरे देश का निर्णय होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, पूरे देश के लिए ले, पूरे देश के नागरिकों के लिए ले, पूरे देश में जो पीड़ित है उनके लिए ले। आपने एक दो डिस्ट्रिक्ट्स का जो है नोटिफिकेशन निकाला, ये एक समझ से परे। यानी आप ये मानते हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन पूरे देश के लिए होता, क्योंकि हर जगह है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैले हुए जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें नागरिकता दी जाए, कर चुके हैं। राजस्थान में बहुत सारे यहाँ पे प्रवासी रह रहे हैं, बहुत सारे शरणार्थी रह रहे हैं, हमारा जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है,
उस पर निर्णय तो आपने लिया नहीं है कोई, उल्टा आपने एक नोटिफिकेशन किया कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अप्लाई करें, उसके बाद वेरिफिकेशन करके निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तो निर्णय होना है, कौन है, कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं है। आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन दे दिया इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, आपने आवेदन मांग लिया, लेकिन जो आवेदन करके बैठे हैं, जो इंतजार में बैठे हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्यों नहीं निर्णय लिया गया? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उसमें देरी क्यों है? बिल्कुल, हिंदू सिंह सोड़ा जी भी हमारे साथ, अध्यक्ष सीमांत लोक संगठन से। हिंदू सिंह जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन अब अगर ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ दो जिलों के लिए ही क्यों, तो सबसे पहले तो आपसे समझ रहे यही चाहेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि नागरिकता के लिए कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लगातार आवेदन भी कर चुके हैं, लंबा इंतजार भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो गुजरात की बात करें या राजस्थान की। श्वेता जी, दरअसल बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं नागरिकता की जी, तो वो शरणार्थी या वो विस्थापित जो कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके बारे में बात होती है जी। अब बात जो है दरअसल ये कोई न तो किसी एक जिले से संबंधित इसको रखा जा सकता है, न किसी एक स्टेट से संबंधित रखा जा सकता है, क्योंकि आप 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंतर्गत ही अभी तो दे रहे हैं, क्योंकि अभी सीए लागू नहीं आपने किया है। तो कहने का मतलब है कि आप जो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उसमें भी अगर जैसे अभी आज जो खबर आई है गृह मंत्रालय से कि जो आनंद और दो जिलों के अंदर आपने दिया है, तो गुजरात के, तो ये तो मैसाणा के अंदर, लेकिन ये इससे इससे क्या आप ताज्जुब करेंगे? और ये रिपोर्ट भी दी जा रही है कि वहाँ 1,00,000 लोग हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर चंद दर्जन लोग हैं। बात उसकी भी नहीं है कि संख्या क्या है, बात ये है कि आपकी जो पॉलिसी है जो विस्थापित हैं उनके प्रति कैसी है, ये इससे जाहिर होता है। वो आप ताज्जुब करेंगे 2004 और 5 का, क्योंकि मैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल था, पिछले 25 वर्ष से इस पर काम कर रहा हूं जी। एक साल के लिए पावर डेलीगेट हुआ था और उस पावर डेलीगेशन के अंदर 13,000 राजस्थान और 7,000 गुजरात, 20,000 लोगों को सिटीजनशिप मिल गई। और अभी जो है वो पावर डेलीगेशन जो है वो आप ताज्जुब करेंगे कि ये हुआ है 2016 में, और उसके बाद में 18 में वापस नोटिफाई हुआ है, इसके बावजूद भी जो है वो उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डिलीवरी जो है वो डिलीवरी आज सिर्फ 25% है। तो इतने सालों बाद में पावर जो है वो स्टेट्स के पास में है, कलेक्टर्स के पास में है, फिर भी आप नागरिकता नहीं दे पा रहे। तो आखिर सेंटर को स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ में इस डिलीवरी मैकेनिज्म को जो है वो बाकायदा एक बिछाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन की एक कोई आपको कायदे से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और तो वो नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। न तो कम्युनिटी को भी आप अगर सोचे हैं कि कोई अच्छा मैसेज जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माधुराम चौधरी जी, इसका जवाब जरूर चाहेंगे कि आपने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल तो इस बात पे उठेंगे कि सिर्फ गुजरात की इन दो जिलों में ही क्यों, जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनके लिए अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया, और कैसे कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होगा स्टेट के साथ, क्योंकि राज्य सिर्फ गुजरात ही नहीं है। देखिए श्वेता जी, मोदी जी जो भी फैसले लेते हैं निश्चित तौर पर जनता की मांग और मांग के आधार पर ही कोई फैसले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब सीएए का कानून लागू करने 2019 में आया तो इस देश में एक बेविजय और लोगों को भ्रमित करने का जो एक परिपाटी सी बना ली है कुछ लोगों ने देश में नैरेटिव सेट करने की, कि उसमें यह डराया गया लोगों को कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ये था कुछ भी नहीं, जो पहले 11 साल था उसको 6 साल किया था, ये सबको पता था, पढ़े लिखे लोगों को भी पता था। तो ये तो क्या है कि एक बहाना करना, एक लोगों को बिना फालतू गुमराह करना, ऐसा नैरेटिव सेट करना ताकि जनता भ्रम रहे। आज किसी दो जिलों को अगर फायदा मिलता है तो इसमें किसको क्या नुकसान है, तो ये तो एक देखने वाली चीज, अपने अपने परसेप्शन है कि वो कैसे सोचता है, कैसे उसको देखता है, कोई चुनावी आधार पे देखता है, कोई दूसरे तरीके से देखता है। तो इस देश में आज जिस प्रकार भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है पूरी दुनिया जानती है, अपन भी जानते हैं किस प्रकार नई ऊंचाइयों के साथ में और आर्थिक मजबूती के साथ में काम कर रहा है, तो उसी संदर्भ में
जो किसी लोगों की मांग थी उस मांग के अनुसार ये फैसला लेकिन किया सवाल तो वही का वही था कि मांग के हिसाब से फैसला लिया गया लेकिन सिर्फ इन दो जिलों में ही क्यों, दावे यहाँ पर लाखों के किए जा रहे हैं, चंद लोग वहां पर हैं, अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो इसका आधार क्या है, कितना वक्त लगेगा और क्या ये सिर्फ दो जिलों तक ही सीमित रहेगा फैसला? नहीं, ये तो दो जिलों की एक तात्विक मांग थी उसके संबंध में है, बाकी तो सीएए के कानून में पहले से संशोधन किया था और उस संशोधन में यह कहा था कि भाई जो भी आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो राजस्थान की सरकार उसका विरोध कर रही है, जबकि बाड़मेर में तो मेघवाल एक पूरा समाज है, तबका है वहां पे, जो मैं एक बार जाने का काम पड़ा तो वो लोग आज भी इनसे मांग रहे हैं, तो ये इनका राज्य सरकार का दायित्व है कि वो उन लोगों को विचार करके उनके एप्लीकेशन पे विचार करे, ये राज्य का विषय है। स्वर्णिम जी, आपने जो सवाल किया और आपने इस पर भी कहा कि ये किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लेकिन जो जवाब यहाँ पर बाधुराम जी दे रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी जाति धर्म और इसके आधार पर वैसे तो कोई कानून नहीं बनाती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है, लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन है, आपने पावर डेलीगेट की है कि राज्य वहाँ पे एप्लीकेशन लें और करें, नागरिकता देनी है केंद्र सरकार को, तो जो अभी हमारे राजस्थान की पेंडिंग है एप्लीकेशंस उन पर निर्णय क्यों नहीं होता? और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश भी होंगे और स्टेट्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन चूंकि हम राजस्थान में बैठे हैं तो हम जानते हैं, और गुजरात में अन्य डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगी, तो आप पावर अगर डेलीगेट कर रहे हैं स्टेट्स को तो एक मैकेनिज्म होता है कि आप पूरे स्टेट की एक साथ ली जाती है, उनका वेरिफिकेशन होता है और केंद्र को भेजी जाती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही उसी के देखिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है, हालांकि इसमें यह है कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया जब तक एप्लीकेशन आएंगी, जो समय देंगे, वेरिफिकेशन होगा, तब तक ये भी निकल जाएगा, ये चुनाव तो निकल जाएंगे, लेकिन इस निर्णय में अगर सार्वभौमिकता होती, सबको लेकर के साथ चलते, पूरे स्टेट्स के लिए होती और राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश की जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो यहाँ से वेरिफिकेशन या तो हो चुके हैं या जिनके करवाने हैं, उस प्रक्रिया को अगर पूर्ण करवा करके निर्णय लिया जाता और राहत प्रदान की जाती तो समझ में आता कि कोई जनता के हित में फैसला हुआ है। अभी तो आपने एप्लीकेशन मांगी है दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो केवल दो डिस्ट्रिक्ट और गुजरात, आपको गुजरात चुनाव दिख रहा है इसलिए कहीं ना कहीं गुजरात नाम आना चाहिए, इसलिए आपने इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला है। बड़ा ये अजीब सी बात है कि आपने वहाँ की दो डिस्ट्रिक्ट चुन ली, आपने बाकी देश को क्यों छोड़ दिया? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव के लिए? सरनेम जी, जब सीएए लागू कर रहे थे तो आप ही तो विरोध कर रहे थे। अरे हम तो विरोध कर रहे हैं, सीए में तो ये है ही नहीं, ये तो 1955 के एक्ट में है, 1955 के एक्ट में जो एप्लीकेशन आई हुई है वो करें। आप राजस्थान के लोगों का विरोध करते हो क्या भैया? माधोराम जी, क्या राजस्थान से जो विस्थापित राजस्थान में रह रहे हैं क्या उनको मिलनी चाहिए नागरिकता या नहीं मिलनी चाहिए? बता दीजिए, क्या केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बता दीजिए। यही बोलना, ये चीजें आपने सीख ली क्या? सुनना ही नहीं चाह रहे वो, सुन रहे हैं, बोलिए, बोलिए, क्या जवाब देना चाह रहे? माधोराम जी आप बोलिए, उन्होंने अपनी बात रखी है। नहीं, सीएए का जब कानून आ रहा था तो सबसे पहले यहाँ की सरकार विरोध कर रही थी, इनके पार्टी का नेतृत्व तो विरोध कर रहा था और ये कह रहे थे कि हम ये कानून यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, कानून जो केंद्र सरकार बनाती है वो सब जगह लागू होता है, लेकिन हमारा उस पर वैचारिक मतभेद है और विरोध करने का हमारा अधिकार है, करेंगे। कोई भी सरकार अगर धर्म, जाति और संप्रदाय और वर्ग विशेष के आधार पर कानून बनाएगी तो विरोध होता है, लेकिन आप जब कौन किस कानून के साथ जाता है, कौन किसके विरोध में जाता है, देखिए ये अपना, सबकी अपनी अलग सोच है। हिंदू सिंह सोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कौन लोग हैं जो के आ रहे हैं? एक्चुअली ये वो लोग हैं जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली है और उनके या तो वो खुद हैं या उनकी संतान हैं या उनकी थर्ड जनरेशन अब आई है। तो ये विभाजन जब हुआ तो क्या ये कोई रेफरेंडम था? ये कोई चॉइस थी क्या? ये कोई मतलब जनमत संग्रह था क्या? तो अगर वहां पर पाकिस्तान उनके साथ में ऐसा सलूक करता है जो कि कभी अविभाजित भारत के हिस्सा थे और वो यहां पर आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मेरे को इस बात के लिए एतराज है, बात सीए की नहीं है, बात यह है कि आप उनके नागरिकता से लेकर के बाकायदा पुनर्वास तक का ये जिम्मेदारी, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बात बता रहा हूं, मॉरली भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर के 7 तक अगर आप देखेंगे तो ये भारत की बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, और मॉरल जिम्मेदारी इसलिए कि उस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे
या जो बाद में भारत सरकार के अंदर आए या उसके बाद में जितने भी पैक्ट्स भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, जिसमें लियाकत नेहरू पैक्ट बहुत मुख्य है, इन सब में ये बात बहुत स्पष्ट है कि दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पर तो आपका कंट्रोल नहीं है कि वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि नहीं निभाता है, लेकिन भारत को कौन रोक रहा है? अब ये स्टेट का और जो केंद्र का झगड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा है, इसमें पिस कौन रहा है? आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो जैसे नागरिकता किसकी मिल रही है, भारत की, भारत देश की नागरिकता मिलती है, किसी स्टेट की नहीं मिलती है, किसी जिले की नहीं मिलती है। अब उसके अंदर जो रिन्यूअल है, अब ये तो भारत सरकार का काम है, रिन्यूअल पासपोर्ट का होता है, पासपोर्ट पर आते हैं, कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, सभी दे कैरी, वो उनके पास में पाकिस्तान का पासपोर्ट होता है और इंडियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वो उनको वीजा देती है। तो वो जब यहाँ आते हैं, उनको रिन्यूअल के लिए आप पाकिस्तान एम्बेसी भेजते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी एक आदमी से कम 10,000 से 12,000 रिन्यूअल और इनिशिएशन के नाम पर लेती है। तो एक अगर कम से कम 50 अगर 5 भी मेंबर हैं, 5 से 10 मेंबर होते हैं, 50 से 1,00,000 रुपए आप इनकम करा रहे हैं पाकिस्तान की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं पार्टी के तौर पर, लेकिन आपके पास में जो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास में जो होलिस्टिक इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक जो रिसीविंग मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं, आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। माधुराम जी सुनिए, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपके बाद में आपको जो कहना हो आप कहिए। नहीं, मैंने आप मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये जो भी कम से कम एक होलिस्टिक इसमें एक कंसेंसस क्यों नहीं बन सकती, आम सहमति क्यों नहीं बन सकती सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि इनके साथ में कैसा सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये सलूक भारत के अंदर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अहम बात की कि राजनीतिक अपने विचारधारा और इन फैसलों से इतर भी कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। स्वर्णिम जी, इतने साल तक, क्योंकि बार बार ही कहा जाता है कांग्रेस का राज था इतने 70 सालों तक, क्या कभी कांग्रेस इस दिशा में कोई कदम उठाने की कोशिश की या इस पर कोई पहल की गई है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो नागरिकता अधिनियम बना है 1955 का, ये इसीलिए बना था, और इसलिए ये ऐसा नहीं है कि 1947 में जो यहाँ पे हिंदुस्तान शिफ्ट हुए हैं उनको नागरिकता की आवश्यकता हो, तो नेचुरली नागरिक थे ही भारत के, लेकिन बाद में जो 70 के दशक में है, 80 के दशक में है, या अभी आ रहे हैं, जैसा बताया, पीड़ित होकर के, जब जो पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी जब आ रही है, आज आते हैं पाकिस्तान से, मान लीजिए टिकट लेकर के यहाँ रहते हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके अपने कारण हैं, उनके अपने जो वहाँ पर उनको पीड़ा मिलती है उस कारण से यहाँ आवेदन करते हैं। अब यहाँ आवेदन करते हैं क्योंकि विभाजन के समय ऐसा था कि कुछ रिश्तेदार हिंदुस्तान में थे, कुछ लोगों ने वहां रहना पसंद किया, अब जो वहां वाले हैं वो यहां आना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के रह रहे हैं, तो वो अप्लाई करते हैं इस अधिनियम के तहत, और जब अप्लाई करते हैं तो उस पर निर्णय होना चाहिए। अब ये नागरिकता जो है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, पुलिस द्वारा कराना है, आप करा लीजिए, कोई सी में कमी पाई जाती है तो अलग बात है, नहीं कमी पाई जाती है, खुफिया एजेंसीज जांच कर सकती हैं, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जो हो चुका है, प्रक्रिया हो चुकी है जिनकी, उनको नागरिकता दे देनी चाहिए। राजस्थान में बहुत लंबे समय से मांग उठी है, अलग अलग इसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, संस्थाओं में बीजेपी के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, सभी लोग हैं और वो मांग करते हैं। तो इसमें अभी जो ये नोटिफिकेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आता है कि वहाँ के कलेक्टर्स को पावर देकर के आप वहाँ से आवेदन करवाना चाहते हैं, तो एक अजीब सी ये बात लगती है कि केंद्र सरकार 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निर्णय ले रही है गुजरात के, जब वहाँ चुनाव है, तो बाकी जगह का क्या है? ऑब्जेक्शन, और इसलिए सवाल इसी को लेकर उठ रहा है। माधुराम जी, फिर वही एक बात जिस पर जो बार बार आ रही है कि सिर्फ ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन की बात की, यहाँ पर पावर कलेक्टर्स को दिए, तो क्या ये कॉमन वे पर सभी राज्यों के लिए या जहां जहां से ज्यादातर आवेदन आ चुके हैं उनके लिए भी तो हो सकता था? सिर्फ गुजरात के 2 जिलों को चुनना ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता, और इसलिए भी कांग्रेस यहाँ पर सवाल उठा रही है कि आखिर विधानसभा के चुनाव के पहले ही ये सिर्फ चुनाव से जुड़ा हुआ फैसला है और कुछ नहीं। देखिए श्वेता जी, पहले बात तो जो मेरे कांग्रेस के मित्र है वो झूठ ये बोल रहे हैं कि वही लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास में यहाँ कई सालों से निवास कर रहे हैं, उनके अपने मकान है, उनको भी आज तक बाड़मेर और जैसलमेर में ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है। स्वर्णी जी, जानकारी के लिए मैं आपको बता, मैं भी यही कह रहा हूँ, जो आजादी के पश्चात आए
जो आजादी के समय आए थे वो तो भारत के नागरिक ही हो गए। नहीं और क्या बोल रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो पासपोर्ट लेके अभी आए हैं, अभी नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देश की आजादी के बाद में यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके बाकायदा मकान है, कई सालों से यहाँ रहते हैं और रहते हुए भी आज तक उसको नागरिकता नहीं दी गई, तो क्या उसके लिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है? तो वो क्या महसाणा जाके नागरिकता लें या गुजरात जाके नागरिकता लें? मैं भी यही निवेदन कर रहा हूँ, करिए निर्णय सबके लिए। बात तो सुनिए, आप जोरदार क्यों बोल रहे हैं? आप दो मिनट सुनने की क्षमता तो रखिए, ऐसा क्या हो रहा है? क्षमता बहुत है, हम तो सुन ही रहे हैं। हाँ तो क्षमता आराम से सुनिए ना। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जब महसाणा की बात आती है तो राजस्थान में आप इतने सालों से राज कर रहे हैं, सेंट्रल में भी राज आपका था, यहाँ भी आपका था, तो राजस्थान के लोगों को तो सभी को आपने नागरिकता दे दी। देखिए सभी राज्यों की हम बात कर ले तो ठीक है, जिसकी भी सरकार होती है, फैसले लिए जाते हैं या फिर केंद्र जिस तरह से फैसले ले रही है, चुनाव के आसपास से जब ऐसे बड़े फैसले लेते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये वोट बैंक के लिए है या फिर कोई और वजह। हिंदू सिंह सोड़ा जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक बात जरूर समझना चाहें, क्योंकि दशकों से आप इसे लेकर काम कर रहे हैं, कई तरह के यहाँ पर लोग भी आए जो नागरिकता के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अब तक दिक्कत क्या होती आई है लगातार, क्योंकि आवेदन भी किए जाते रहे लेकिन फैसला इस पर नहीं लिया जा सका, क्यों नहीं लिया जा रहा है आपकी नजर में, क्या आपको लगता है? और अब जो फैसला दो जिलों के लिए लिया जा रहा है तो क्या होना चाहिए? एक्चुअली हम लोग, आप ताज्जुब करेंगे, मैंने तो एक बाकायदा किताब भी लिखी है, वो और कुछ भी नहीं था, फेंस बियॉन्ड फेंसिंग, और वो पूरा का पूरा एक रोड मैप है जिसमें हम लोगों ने खाली सुझाव नहीं दिए हैं, हम लोगों ने ये भी कहा है, मतलब एक तो होती है कि डिमांड आप रखें कि डिमांड हो, नहीं, डिमांड के साथ में हमने ये भी कहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और सॉल्यूशन जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में होगा। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि उसको आप एक फ्रेंडली जो है वो रिजिम आप बनाइए। अब आप ये बाड़मेर जैसलमेर, ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ये विस्थापित है, आप ताज्जुब करेंगे, मैं ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, 18,000 से ऊपर जो है वो अकेले जोधपुर के अंदर हैं जो कि गैर नागरिक हैं, और इस ढंग से हजारों लोग न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नागपुर, पंजाब, जहां पर कि ये पावर डेलीगेट्स किया गया है, इन तमाम स्टेट्स के अंदर हैं। तो ये जब तक केंद्र और स्टेट दोनों, मेरा ये मानना है कि इसको बाकायदा बैठ करके, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है, पानी के मुद्दे होते हैं, और मुद्दों पर जब स्टेट केंद्र के साथ में एंगेज होता है तो इस मुद्दे पर एंगेज होकर के और उसका एक जो है वो बाकायदा सोल्यूशन, होलिस्टिक सोल्यूशन निकाले, इसमें कहां कहां झगड़े की बात है। चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 1955 नागरिकता कानून के तहत ही ये फैसला यहाँ पर किया गया, लेकिन इस फैसले को क्योंकि दो जिलों के लिए कहा गया, नोटिफिकेशन दो जिले गुजरात के हैं जिसके लिए फैसला लिया गया, तो इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है, फिर सिर्फ ये दो जिले ही क्यों? लेकिन अब उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती कि क्या ये दो जिलों तक ही फैसला सीमित रहता है या फिर राजस्थान समेत और राज्य जहाँ पर शरणार्थी जो है, जो नागरिकता चाह रहे हैं, जो लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके, क्या उनके लिए भी सोचा जाएगा? अब उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है, हालांकि देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आने वाले वक्त में इस फैसले को और कितना बढ़ाया जाता है, किन राज्यों तक सीमित किया जाता है और किस किस को फायदा इससे मिल सकेगा, उम्मीद बहुत ज्यादा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।